मैं थोड़ा टूर्स की तरफ काफी मेरा नजर खिंचाव रहा है, और वो खिंचाव भी कुछ कम नहीं था। मेरा जो एक एटीट्यूड था टूवर्ड्स टू पजेस द वर्सेटाइल टूल्स एंड टू अंडरस्टैंड इज यूटिलिटी एंड हाउ फार आई कैन गो यू नो दैट इन वर्सेटाइल मैनर टू यूटिलाइज दैट इन आर्ट राइट। तो मैंने आर्ट मटेरियल का काफी एक्सप्लोरेशन किया है अपनी लाइफ में, और उस एक्सप्लोरेशन में वैरायटी ऑफ ब्रशेस, डिफरेंट साइज ऑफ हेयर्स मैंने यूज किए, और काफी डिफरेंट मीडिया के साथ मैंने उनको घुमाया कागज के ऊपर। सडनली समथिंग इज हैपन टू मी एंड आई सॉ दैट कि समथिंग इज हैपनिंग एंड व्हाट एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू डू व्हाइल थिंकिंग एंड दैट ब्रश इज डूइंग। सो मैंने कहा यार ये तो कमाल की चीज है। तो फिर मैंने समझा कि ब्रश को दबाओ, उठाओ, गिराओ, पटको, धड़को, कलर में डाल के वो क्या क्या कमाल करता है, वो सारे कमाल को मैंने अपने दिमाग में रजिस्टर करना शुरू किया। मैं एक मामले में काफी कमजोर रहा हूं, वो ये है कि मैं कभी भी अपना रिकॉर्ड नहीं रखता और ना ही उसको एज ए रेफरेंस बार बार चेक करता हूं। अगर है तो है, पड़ा है वहां, तो वो क्या है कि वो आकृति तो मेरे दिमाग में है, वो फिगर्स, बट वो देखने से क्या ना फिर वैसे ही बनता है। तो वो मैंने कभी सामने रखी ही नहीं काम करते वक्त, वो करता रहा एंड काफी मतलब दो एक साल तक मैंने इसको एक्सप्लोर किया कि आसान कैसे होगा लर्नर के लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था पहले। क्या जिसने कभी ब्रश नहीं पकड़ा वो सीख पाएगा? तो ये दुविधाएं सीखने वालों की मेरे दिमाग में थी, और उसको कैसे इजी किया जाए, कैसे सिंपल किया जाए, कैसे रीचेबल किया जाए लर्नर्स को, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था। तो वो इसलिए इनिशियली मैंने इसको पहले काफी लोगों से ट्राई किया कि यार करके तो देखो कैसा होता है आपसे। तो लोगों ने करा और काफी मतलब दे वर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स राइट। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है कि हर एक से हो जाए, किससे होता है किससे नहीं होता है। अभी तो 50 डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूँ, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दिमाग में हर्डल्स होती है, रुकावट होती है, वो आपको रोकती है। बेसिकली करने वाला हमेशा ऐसे करता है कि मेरा बिगड़ तो नहीं जाए, और उसी सिलसिले में बिगड़ जाता है। ठीक है बिगड़ गया, पर वो बिगड़ा कैसे वो तो देखो, तो अगली बार तो नहीं बिगड़े, तो वो कोई देखता नहीं है, वैसे ही करते जाते जो हो गई जैसे। तो ये बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कलर देखा कि ब्रश में कलर आ रहा है, अभी सैंपल उठाया मैंने यहां पर रखा इसके ऊपर, और ब्रश को बहुत प्यार से चला रहा हूं मैं राइट। ज्यादा कॉन्टूर टूटना नहीं चाहिए, जैसे ये एजेस टूट जाती है ना, तो ब्रश में कलर काफी अच्छा खासा होना चाहिए राइट, और वो नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। और रोक के चलिए, ये समझ में आ रहा है आपके? और ये नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा तकलीफ तो होगी आपको इससे करने में। और एक साथ ब्रश को नहीं उठाने का, धीरे से उठाने का है ब्रश को। यू लिफ्ट द ब्रश सो क्विकली सो वो उसके जो आखिरी हिस्से में जो कलर के साथ कागज पर टच हो रहा है वो थोड़ा अनफिनिश सा आएगा, और आप शांति से, रसानगी से, आराम से उठाएंगे ना पीसफुली, तो फिर वो अच्छे शेप में ही इमेज छोड़ के उठेगा। अब यहां झटके से उठा लेते हैं, धीरे से उठाने का इसे। अब मैं स्पीड में करता हूं इसलिए आपको लगता है कि मैं बहुत स्पीड में कर रहा हूं, पर आप ये देखिए कि मेरा ब्रश कैसे उठ रहा है, वो बहुत जरूरी होता है, और वो आपको समझ में आना चाहिए, वरना तो ये मुश्किल मामला है। आप करते जाएंगे और आखिर तक भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है कि आप ये बहुत पेचीदा मामला तो नहीं है, मुश्किल नहीं है, पर यह है कि आपको पेशेंसली काम करना है, क्योंकि दो डिफरेंट दिमाग काम कर रहे हैं यहां पर, एक ब्रश का कर रहा है, एक मेरा कर रहा है राइट। ब्रश अपने हिसाब से चलेगा, उसको मैं अपने हाथ से दिमाग से कंट्रोल कर रहा हूं, पर वो
पूरा तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ब्रश अलग है, वो एक टूल है और मेरा हाथ जो है वो दिमाग से चल रहा है, तो वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, यानी कि आप में काफी हद तक एक ब्रश को टच करना कागज की सरफेस पे और उठाना काम करने के बाद, वो थोड़ा पेशेंसफुल होना चाहिए, वरना तो मुश्किल हो जाएगा। और इसकी वजह यह है कि आप बार बार उसको उठा लेते हैं और नहीं देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। अब मैंने इतनी आसानी से आपकी सरफेस क्रिएट कर दी, अब ये भी, अब इसके अंदर जो भी जगह मेरे को दिख रही है खाली, अब मैं इसको जो बिगड़ गया थोड़ा सा उसको कंपोज कर दूंगा ऐसे, राइट, वो अधूरा नहीं दिखे, क्योंकि अधूरा किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे कुछ भी हो। आधा खाना खाया तो नहीं लगता अच्छा, पूरा खाना खाया तो थोड़ा थोड़ा सुकून होता है, राइट, उसी प्रकार से ये आधा अधूरा जीवन में रस नहीं देता है, समझ रहे हैं आप। हाँ, ओके, बंद कर दीजिए।